फ्लेवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज और भिंडी की एक मज़ेदार रेसिपी। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। और इसके लिए मैंने लिया 700 ग्राम भिंडी। इसको मैंने 4-5 पानी में अच्छे से धो लिया है। धो के अभी इसको रखेंगे कि जब तक इसमें ये बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब एकदम सूख जाएगा इसको आप पंखे में फैला के रख दें, अखबार वगैरह पे या किसी कपड़े पे। जब भी बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें इसको बनाना है, उससे पहले नहीं। तब हम इसको फिर काटेंगे और फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी भिंडी देखिए आप, एकदम सूख चुकी है, इसे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए धूप में रख दिया था तो ये अच्छे से सूख गई है। और इसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटे, इसको ज़्यादा पतला बारीक इतना मत काटे कि दोनों साइडों से हटा के फिर इसको ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा, एक भिंडी में से 3 या 4 आप सिर्फ ऐसे कट करें। और ध्यान से काटें भिंडी में, क्योंकि कीड़ा होता है, कीड़े वाले पार्ट उसको भिंडी को फेंक दें। और कुछ भिंडियाँ इसमें पक्की भी होती हैं, जैसे जो चाकू से नहीं कटती है तो उसको भी ना दें, उसको फेंक दें। और इस भिंडी को बनाने के लिए मैंने 3 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया और जीरा हमारा होने लगा है, तो अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी, एक टीस्पून हल्दी, धनिया 1 चम्मच भर के अच्छे से, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। हम इसमें मिर्च और नमक और गरम मसाला, ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे। पहले हम जीरा और हल्दी से हल्दी में डाल के इस प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसको मैं भून लेती हूँ ब्राउन होने तक। देखिए प्याज हमारे हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे। हमें ज़्यादा भी इनको ब्राउन नहीं करना है कि बिल्कुल ये दिखे नहीं, थोड़े हमें ऐसे लगने चाहिए थोड़े कि इनका खाते टाइम पता चले कि हाँ प्याज है। और हमें अभी इसमें नमक मिर्च नहीं डालना, वो हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे अपनी भिंडी, इसको चलाएंगे। हरी मिर्च लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि फिर वो लगने लग जाती है, क्योंकि हमने अभी इसको भूनना है अच्छे से, तो मिर्च फिर उड़ती है तो वो गले में लगती है, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़ी ये गल जाए, बाद में हम इसमें लाल मिर्च डालते हैं। और इसको हमने ढकना नहीं है बिल्कुल भी, खुले में बनानी है और फ्लेम को हाई रखना है। ये थोड़ी भुन जाए थोड़ी देर, इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखिए अभी 2-3 मिनट हुए हैं भिंडी को, और आप देख रहे हो कि इसमें जो चिपचिपापन है ये नज़र आ रहा होगा आपको, तो वो अभी अच्छे से भुनेगी। इसमें नमक हम तब तक नहीं डालेंगे जब तक इसका ये देखिए जाली बननी बंद नहीं होती। जब ये बंद हो जाएगी तब हम इसमें नमक और मिर्च को ऐड करेंगे। मैं हमेशा ज़्यादातर सूखी सब्ज़ियाँ इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें कंफर्ट लगता है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसमें चलाने में सब्ज़ी को थोड़ा ठीक रहता है। और भिंडी को हम 2 तरह से और बना सकते हैं, इसको हम बिना प्याज के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी टेस्ट की बनती है। और अगर हमारे पास भिंडी कम है तो हम उसमें कैसे बढ़ा सकते हैं उसको, तो उसमें आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि भिंडी में प्याज स्वाद लगता है। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी हम बनाएंगे एक दिन मैं आपको बताऊंगी भरवा भिंडी कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए अभी इसमें कितना ये जाली बनी हुई है, ये अच्छे से ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसको बिल्कुल भी ढकना और हाई फ्लेम पे पकने देना है, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। व्यूअर्स, हमारी भिंडी अच्छे से भुन चुकी है और आप देख सकते हो इसमें कोई भी चिपचिपापन, कोई जाली अब नहीं बन रही, एकदम अच्छे से भुन चुकी है। एक ये देखिए एकदम इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि भिंडी थोड़ी नमक और थोड़ा लाल मिर्च करारा हो तो ही स्वाद लगती है।
और नमक भिंडी में हमेशा ज़्यादा डलता है, तो मैं फ़िलहाल में एक से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच मैंने इसमें नमक डालना है। गरम मसाला हम डालते हैं थोड़ी देर तक, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी भिंडी पे, कोई चिपचिपापन नहीं है इसमें, आपको कोई चिपचिपापन नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। ये देखिए कितनी अच्छी भिंडी हमारी हुई है, और इसको हमें बिल्कुल भी नहीं ढकना है, तो हम इसको दो चार मिनट तक और पकने देंगे स्लो पे। अब हम इसको स्लो पे पकाएंगे। थोड़ी कमी हमारी भिंडी में अभी, वैसे ऑलमोस्ट ये देखिए एकदम बन चुकी है, पक चुकी है। मैंने इसमें अभी टेस्ट चखा है, नमक कम है, मैं इसमें आधी चम्मच नमक और डालूँगी। वैसे मैंने आपको कहा है भिंडी में नमक हमेशा ज़्यादा लगता है, और हम ये हाफ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे इसमें, फिर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। बस ये दो से पाँच मिनट में रेडी है, चलाएंगे इसको। स्लो पे ही रखा हुआ मैंने इसको, अभी सब्ज़ी हमारी रेडी है अभी, बस दो मिनट अभी हम पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, कोई इसमें चिपचिपाहट नहीं है, एकदम यम। आई होप आपको अच्छी लगे, आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्लीज़ उसे बना के देखें, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।